साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ बयान रिकॉर्ड करवा दिया। आज़म खान ने साइफर को एक सोची समझी साजिश करार दे दिया। सियासी मकासद के हवाले से साइफर ड्रामा रचाया गया है। आज़म खान ने यह बयान दिया है। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने साइफर ड्रामा बेनकाब कर दिया। चेयरमैन पीटीआई ने तमाम तरह हकायक को छुपा कर साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया। आज़म खान तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दे दिया। आज़म खान की जानिब से कहा गया, चेयरमैन पीटीआई ने कहा साइफर को गलत रंग देकर आवाम का बयानिया बदल दूंगा। आज़म खान ने बयान दिया, चेयरमैन पीटीआई ने साइफर मेरे से 9 मार्च को ले लिया और बाद में गुम कर दिया। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर ड्रामे के जरिए आवाम में मुल्की सलामती इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। मना करने के बावजूद एक सीक्रेट मुरासले को आवाम में जाती मफाद के लिए लहराया। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर को अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियां बनाने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला भी किया है।